क्या? मेरा नाम नानक चंद है। अच्छा, ये पानी जो भर रहा है इसके बारे में बताइएगा। इसके बारे में साहब बहुत बड़ी समस्या है, निकलना बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। बालक छोटे बड़े सब परेशान है, नालों में भी पानी ना जा रहा, कहीं नाले है ही नहीं, चारों तरफ से बंदी बंद रास्ता है, पानी भरा हुआ गंदा। इसकी किसी से शिकायत करी थी? शिकायत भी करी है, नेताओं से भी करे हैं, और भी जामे हैं, आप छोटे आदमियों की साहब कोई सुनता नहीं। तो नेता लोग आते नहीं यहाँ पर? नेता लोग भी आते भी हैं, हम कहते भी हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। फिर हम कमजोर स्थिति के लोग हैं, तो आप कोई हमारी साहब सुनता ही नहीं। तो आप क्या क्या चाहते हो? अब हम सब ये चाहते हैं कि हमारा रास्ता थोड़ा सही हो जाए, नाले बन जाए, परंतु ये ऊंची हो जाए। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम समरपाल सिंह है और मैं ग्राम सैनली का निवासी हूँ। प्रदर्शन क्या सर? देखिए, दिक्कत ये है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बहुत हमारी वर्तमान केंद्र में सरकार बैठी हुई है और हमारे जो राज्य में भी सरकार है भाजपा सरकार, वो बड़े बड़े वादे करती है, बड़े बड़े उनका एजेंडा है। सबसे पहले यही कि गड्ढा मुक्त सरकार हम लाएंगे, गड्ढा मुक्त करेंगे राज्य। तो देखिए, सड़क का कोई विकास नहीं हो पा रहा, जैसे कि आप देख रहे हैं, पूरा ही आप देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक। अब तो थोड़ा गर्मी आ गई, पानी सूख गया, वरना यहाँ पर इतना इतना पानी घुटना घुटना पानी निकल। भैया कौन सा मोहल्ला है? नंगली है, ये कॉलोनी। मैं कॉलोनी में पानी भर रहा है, आज सड़क के किनारे है, बस्ती नहीं है, खास बच्चे गिरते हैं और यहाँ पर बहुत ही परेशानी है। हम जंगल भी जाते हैं तो जब भी हम गिर जाते हैं, घास की गठिया लामे हैं, अपनी लकड़ी लामे हैं, हर अपूस लाते हैं, तो जब भी हम गिर जाते हैं पानी में, हमको बहुत परेशानी है। मेहमान भी हमारे आते नहीं, इतनी गंदगी को देखते घर पे हमारे बहुत गंदगी हो रही है। तो आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि जब सफाई हो जाए, साफ ऊंची हो जाए, ये ठीक। हाँ दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए खबर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।